बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। सामूहिक विवाह कराने की आड़ में कमाई करने वाली समाज सेवी संस्थाओं की आफत आने वाली है। हाल ही में मातृव्या समय चेतना सेवा समिति द्वारा कराए गए सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का लाभ दिलाने के नाम पर धन की उगाही की गई और समाज कल्याण विभाग और नगर निगम मुख्य दर्शक बना रहा। सूत्रों की माने तो नगर निगम और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के नाम पर की जा रही अवैध वसूली में हिस्सा तय है। इसीलिए जानबूझकर पहले भी विवाद में फंसी चेतना सेवा समिति को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह संपन्न कराने की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन एडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, शासन की जो स्पष्ट नीति है और जो सामूहिक विवाह योजना है, एक शासनादेश और नियम के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट है। उसके इतर या उसके विपरीत अगर कोई भी संस्था समाज से जो स्वयंसेवी अगर कार्य करती है तो उसके खिलाफ जो है सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये संज्ञान आया है जो चेतना समिति से भी सामूहिक विवाह हुआ है, उसमें जो समाज कल्याण अधिकारी उनको निर्देशित किया जा रहा है कि अगर शासनादेशों का उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई कराएंगे। नहीं, अभी जो ये नवीनतम जांच करेंगे इस बिंदु को अब जो जांच करेंगे इसमें भी देखा जाएगा कि अगर ब्लैक लिस्टेड थी तो किस आधार पर उसको जो है पुनः जो है अनुमति दी गई। सूत्रों का यहां तक कहना है कि चेतना सेवा समिति पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की तो समाज सेवी के रूप में छिपे गरीबों को लूटने वाले चेहरों का खुलासा हो जाएगा और ईमानदारी से समाज सेवा करने का संदेश समाज में जा सकेगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।